नया भारत विकास की नई बुलंदियां छू रहा है। ऐसे में नए भारत के रेलवे स्टेशन भी तेजी के साथ बदल रहे हैं, जिसकी मिसाल है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिपूर्ण स्टेशन यात्रियों में गर्व का एहसास कराता है। स्टेशन की इमारत भव्य है, जिसका बाहरी ढांचा आकर्षक है। स्टेशन में ट्रैक के ऊपर एक शानदार एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है। चमकते ग्रेनाइट से बने फर्श से सुसज्जित इस एयर कॉन्कोर्स की क्षमता 700 यात्रियों की है। स्टेशन में मौजूद वातानुकूलित लाउंज और रिटायरिंग रूम भी आरामदायक है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। पहले और अब के में बहुत अंतर दिख रहा है। साफ सफाई बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रहा है स्टेशन। रुकने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। यहाँ का जो वेटिंग रूम है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे से सब हो जाता है। खास बात यह है कि यहाँ एयरपोर्ट की तर्ज पर एंट्री और एग्जिट की सुविधा है। प्रवेश करने वाले यात्री दोनों तरफ मुख्य भवनों से प्रवेश कर कॉन्कोर्स पर ट्रेन का इंतजार करेंगे। वहीं ट्रेन से उतरने वाले यात्री अंडरग्राउंड सबवे से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा रेलवे स्टेशन और ऐसी कंस्ट्रक्शन और सुविधाएं हमने कहीं नहीं देखी अभी तक। हर चीज पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा परफेक्ट, पार्किंग स्लॉट सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट में हम लोग। स्टेशन में यात्रियों के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर मौजूद हैं। वहीं ये पूरा स्टेशन दिव्यांगजनों की सुविधा से भी सुसज्जित है। यहाँ भवनों का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग योजना के तहत किया गया है और पर्यावरण संरक्षण वाले मापदंडों का पालन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करके देश को समर्पित किया, जो यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के साथ साथ उन्हें गौरवान्वित कर रहा है।